आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत, फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वीरभद्र नगर में, जहां पर छत्तीसगढ़ घासी घसे समाज द्वारा सामुदायिक भवन में सामाजिक स्तर पर बैठक हो रही है, जहां पर हम समाज को कैसे आगे लेके जाना है, आने वाली पीढ़ी को कैसे जितना शिक्षा पढ़ाई के लिए कार्यरत करना, इस सब चीज़ों पर एक बैठक बहुत ही बड़े बड़े लोगों समाज द्वारा आए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और हम जानेंगे यहाँ के सभी जो लीडर हैं कि वो समाज को लेकर कैसे काम करते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं लोगों को, और उन सब चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 72। समाज की बैठक में कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं, और हम जानेंगे कि समाज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ है, और हम सीधे चलते हैं अध्यक्ष जी के पास। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? नाम बाबूलाल नायक। अभी किस चीज़ का बैठक चल रहा है, किस चीज़ पर वर्णन हो रहा है? छत्तीसगढ़ घासी घसिया समाज का बैठक चल रहा है, इसमें समाज के बारे में चर्चा और कुछ किस चीज़ पर चर्चा किस चीज़ पे चल संदर्भ किस चीज़ संदर्भ में हो रहा है संदर्भ अगर हम संदर्भ बात करते हैं विषय में कौन सा विषय हम लोग का क्लास के विषय में हो रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ में हर जिला में भवन नहीं है, भवन के बारे में विचार किया जा रहा है, और शिक्षा के बारे में, बच्चे लोगों के भविष्य के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया जा रहा है। समाज को कैसा बढ़ाना है, इस विषय में चर्चा किया जा रहा है। समाज को अगर हम आगे लाएंगे तो उस चीज़ को कैसे आप देखेंगे, कि सामाजिक स्तर पर लोगों की जो भावना है, जो छोटे क्लास वर्ग के लोग हैं, उनको आप कैसे आगे पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, रोजगार के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? आपका पहले शुभ नाम क्या है? मैं राजन बेहरा, कार्यकारिणी अध्यक्ष। कार्यकारिणी अध्यक्ष कैसे बताएंगे इस चीज़ को पढ़ने? देखिए, क्या है, समाज हमारा बहुत नीचे स्तर में है, उसको ऊपर लाने के लिए सबसे पहले हम शिक्षा पर ही विशेष ध्यान देंगे, और शिक्षा ही हमारा मूल मंत्र है, जहाँ से हम अपने हर काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको किया जा सकता है, और समाज का संगठन उसमें बहुत आवश्यक है, और समाज के संगठन के साथ हम इस समाज के विकास की ओर ले जाने की कोशिश करें। प्रयासों की बात करें तो प्रयास किस बेस पे करना चाहेंगे? मतलब पहला मूल मंत्र अगर हम कहें नैतिक सिद्धांत का किसी, तो स्टार्टिंग आप किस चीज़ में करेंगे, फोकस सबसे पहले किस में देंगे? मैं सबसे पहले शिक्षा में दूंगा, क्योंकि शिक्षा ही एक हमारा ऐसा आधार है जो हर समाज को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को ऊपर से ऊपर ले जा सकता है। मतलब आपका पहला जो बच्चों को जो स्कूली शिक्षा मिलती है वो प्रॉपर मिलती है। अगर दूसरी बात करें, अगर जो भी नया अब जो सोचते हैं उस चीज़ को, हम ऐसा है कि हम प्रदेश लेवल के हैं, प्रदेश लेवल में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए आज जो शासन की ओर से जो भी योजनाएँ संचालित है उसका पूरा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। घासी घसी समाज के प्रदेश संगठन मंत्री हमारे साथ श्री सुमित नायक जुड़ चुके हैं, समाज के बारे में जानेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे देखते हैं समाज को? हम जो अभी आज मीटिंग किया गया है प्रदेश स्तर का, कोरोना महामारी में जो हमारे जो समाज को जो दिशा निर्देश दे रहे हैं हमारे सब कार्यकारिणी अध्यक्ष जी, जो है हम लोग का भी चर्चा हुआ है कि समाज को आगे बढ़ाना है, उस विषय को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं हम लोग। इस चर्चा में क्या मतलब आप कहना है, अगर चाहें तो लोगों को कह जागरूक करेंगे मोटिवेशन के लिए लोगों को कि वो आगे बढ़ें? हम जो शिक्षक की मतलब जो और सब हम लोग देख रहे हैं सामाजिक तौर से कि हमको सब भीड़ के मतलब हमारे जो समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, समाज मतलब शिक्षक देना, इसीलिए हम पूरा भीड़ रहे हैं और सामाजिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं कि किस हिसाब में मतलब उनको आगे ले जा सके, उस हिसाब से अपन मीटिंग जारी है हम लोग का उस हिसाब। कोरोना के समय में आपने क्या किया था सामाजिक काम? कोरोना के समय में हम लोग जो है ना मास्क वितरण किए हैं, अपना जो खाना पीना जो है व्यवस्था वही किए थे, समाज के लोग भीड़ के
जो जो गरीब दुखी उनको इलाके में जाके हम लोग सब चीज़ का व्यवस्था किए, उनको जाके मतलब बांटे हैं हम सब। मतलब कोरोना के समय में आपने सामाजिक स्तर पे काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के जोड़ने के लिए। आपका जी शुभ नाम क्या है? मैं रघुराम सिंधु प्रदेश महामंत्री हूँ, रहने वाला धमतरी का हूँ और अभी निवास कर रहा हूँ रायपुर में। यह कि हमारे जो समाज है, समाज में जो आज बैठक हुई है, वो सबसे बहुमूल्य बात यह है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, और महामारी काल में, कोरोना महामारी काल में हर मोहल्ले और एक गुट बनाया जाए, एक समिति बनाया जाए, चार चार पांच पांच लोग का, जो शिक्षित लोगों का, और उनके बीच में बच्चों को पढ़ाया जाए। इस टाइप का हमारे विचार अभी समाज में हमने इस प्रकाश में लाया है। मैं रघुराम सिंदूर, रघुराम सिंदूर, पद में प्रदेश महामंत्री,